श्री नैना देवी के समीपवर्ती गांव मलेटा में बरसात के कारण मकान ढह गया है। इस बरसात में परिवार बेघर हो गया और सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मकान का मालिक भी अपंग है और बहुत गरीब परिवार होने के चलते परिवार पर आपदा आन पड़ी है। जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत समीपवर्ती गांव मलेटा में एक गुरबख्श सिंह नामक अपंग व्यक्ति का मकान बरसात में ढह गया है। हालांकि मकान में रखा सामान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। रात के समय अचानक तेज बरसात में यह मकान गिर गया, जिससे गरीब परिवार के ऊपर विपदा आन पड़ी है और पूरा परिवार है मवेशी एक तिरपाल तानकर बारिश में बैठे हैं। हालांकि परिवार बहुत ही गरीब है और इस मकान में चार कमरे थे। हालांकि गुरबख्श चार बच्चे सहित वह बरसात में अब एक तिरपाल के सहारे जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है। हालांकि प्रशासन को सूचित किया गया है। वहीं एसडीएम सुभाष गौतम ने कहा कि पटवारी को मौके पर भेज दिया गया और निरीक्षण के बाद तुरंत राहत और परिवार को राहत राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जो भी प्रशासन की तरफ से सहायता होगी वह मुहैया करवा दी जाएगी, ताकि बरसात के मौसम में परिवार पर किसी तरह की विपदा ना आए। पीटीवी हिमाचल के लिए नैना देवी से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। हमारे गाँव में गुरबख्श सिंह जी का मकान भारी बरसात होने के कारण नीचे गिर गया है। इसके चार कमरे थे जो सभी ध्वस्त हो गए हैं। भारी बरसात होने के कारण ये जो आप व्यक्ति है ये अब तिरपाल बिछा के साइड में बैठा हुआ है। इसे अभी बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसके चार बच्चे हैं और ये खुद एक बेचारा गरीब बंदा है। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये गुरबख्श सिंह की जल्द से सहायता करे। धन्यवाद। जैसे कि सबको पता है कि दो तीन दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है और मेरी पंचायत में खरकड़ी पंचायत में जो है एक गुरबख्श सन और पंतुराम का मकान जो है पूरा गिर गया है नीचे, और उसको पटवारी निशा देवी ने फौरी रात 5,000 रुपया दिया है और एक तरपाल के लिए भी उसको एप्लीकेशन दी है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि गुरबख्श को जो है जल्दी से जल्दी मकान का जो है स्पेशल केस देने की कृपा करें, क्योंकि इसके अंदर जो कागजात है वो पहले तैयार किए हुए हैं, सिर्फ ब्लॉक उसमें अभी वेलफेयर में जमा नहीं कराया इसने। बाकी गरीब परिवार है और बीपीएल में है गुरबख्श का एक ही हाथ है, एक हाथ मशीन में कट गया है। गुरबख्श के परिवार में 2 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं, जिनमें से एक लड़की बीमार रहती है और एक लड़का भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और बहुत गरीब परिवार है, ऐसी परिवार है। मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए।